दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लेने के लिए हमें एप्लीकेशन कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैंक से अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको है तो एक कागज़ के ऊपर आपको एप्लीकेशन करना है। आज की इस वीडियो में मैं वही एप्लीकेशन का नमूना आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऊपर की एक साइट में आपको सेवा में लिखना है, उसके बाद श्रीमान शाखा प्रबंधक या बैंक मैनेजर, और उसके बाद आपकी बैंक का नाम और आपकी शाखा का नाम आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको अकाउंट स्टेटमेंट संबंध में विषय में यहाँ पर डालना है। उसके बाद खाता नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है, महाशय जी सविनय नम्र निवेदन है कि मेरा नाम अनीस भारती है और मेरा अकाउंट नंबर ये है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है और ये फर्जी नंबर है। मैं आपके बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता धारक हूँ। मुझे किसी कारण मेरे अकाउंट का पिछले एक साल का यानी कि पिछले एक वर्ष का आपको स्टेटमेंट चाहिए। आप उसको आपको यहाँ पर डेट भी डाल देना है, जैसे कि मैंने डाला है 1/4/2018 से 31/3/2019 तक का पूरा अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, यानी कि आपको 1/4 से 31/3 तक का स्टेटमेंट चाहिए। तो आपको ये डेट यहाँ पर डाल देना है। आप आपके हिसाब से डेट डाल दीजिए जो भी आपको स्टेटमेंट लेना है वो वाला। उसके बाद नीचे लिखना है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। और नीचे आपका नाम डाल दीजिए, उसके बाद खाता संख्या और मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकॉन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।